الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء من السماء ماء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون امنت بالله صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجمين As-salāmu alayna wa ala ibadillah saliheen Amma ba'd. In this life is zindagi mein sometimes people exchange

Or a cake to give to them. And when you present those flowers or that cake, that gift, whichever you are giving them, they throw the gift on the floor and start kicking those flowers or that cake actually here and there. No matter who you are, you won't feel good. Because it's as though it's not the flowers, it's not the cake, it's as though you are being insulted. Because you are the one who gave that gift. तो अगर कोई फूलों का गुलदस्ता किसी को तोहफे में देता है और वो उसको ज़मीन पर फेंक कर उस पर पाँव रखना शुरू कर देता है और पाँव से इधर उधर बखेरना शुरू कर देता है किसी की शादी पे आप जाते हैं या किसी के घर तो आप कैसा महसूस करेंगे आप समझेंगे कि ये तो मेरी बेइज्जती है that aside the flowers or the cake it doesn't matter what it is but you will feel that you are being insulted now just for a short while think about Allah subhanahu wa ta'ala wa wa jal, wa wa that he has gave you he has given you and gave you and me फ्रेशियस्ट गिफ्ट ऑफ लाइफ अल्लाह पाक ने भी हमें एक बहुत कीमती तोहफा दिया वो फूल नहीं है वो केक नहीं है वो एक पूरी जिंदगी है एक जिंदगी का तोहफा दे दिया उस जिंदगी से आप हमेशा की बादशाहत हमेशा का मौज मेला हमेशा की ऐश इशरत हासिल कर सकते The gift which Allah has given you is of life, and that life has the potential to make you a king forever and ever and ever, and bestow upon you such pleasures which are unimaginable for human mind at the moment. But what are people, what am I doing with that gift? Instead of honoring it, that Ya Rabbal Alameen, you have given me gift of life, I will honor it by your obedience and worship in this entire life. We are, some people amongst us, are trampling upon that gift, wasting it और मच वर्स्ट स्पेंडिंग इट इन एक्टिविटीज विच आर विच एन द डिस लेकिन कई लोग हम में से इस कीमती तोहफे को की कदर करके अल्लाह ने दिया है अब ही के लिए ये खर्च हो जाए जिंदगी हम उसको पाँव तले कभी शैतान के पाँव तले कभी गुनाहों के तले पाँव तले रोंद रहे हैं कोई औरत के पीछे भाग के वो तोहफे को जलील कर रहा है क्या जिंदगी अल्लाह ने इसलिए दी कि भाई औरतों के पीछे भागो कुरान मजीद में जो अल्लाह पान फरमा मा खाला तो कि मैंने जो तख्लीक कर दिया तुम्हें जिंदगी का तोहफा दे दिया है ये कि छोटे मकसद के इज नॉट फॉर अ फैटी पर्पज अल्लाह सुबंद वांट्स यू टू मेक किंग्स फॉर एवर अल्लाह तुम हमेशा के लिए बड़े बड़े बादशाह और इतने इतने बड़ी बादशाहते तुम्हारी हूं कि ये पूरी दुनिया भी उसका सोवा हिस्सा नहीं बनती अत ने फरमाया कि ये इसलिए मैंने तुम्हें पैदा किया हो कि तुम मौज करो बादशाहते करो और हमेशा की जिंदगी में ऐश करो तो हम क्या उससे हासिल कर रहे हैं अपने आप को जलील करते हुए वो अल्लाह पाक का तोहफा दट गिफ्ट ऑफ अल्लाह सुबहाना व तआला समवन इज रनिंग बिहाइंड फेम इज़ रनिंग बिहाइंड नेम इज़ रनिंग बिहाइंड समवन इज़ रनिंग बिहाइंड शैतान अल्लाह पाक ने तो ये तोहफा दिया था कि मेरे पीछे मेरी रजा के पीछे तुमने भागना है और हम जो हैं वो इधर उधर कर रहे हैं तो ये इंसल्ट है ये बेअदबी है अल्लाह पाक की बारगाह में अल्लाह के तोहफे को इस तरह इस्तेमाल करना इट इज अगेंस्ट द रिस्पेक्ट ऑफ अल्लाह टू यूटिलाइज दिस लाइफ एक्चुअली एंड मेक फैटी थिंग्स योर ऑब्जेक्टिव इट्स गुड यू एक्चुअली मेक मनी एंड अदर थिंगस दुट इज नॉन्ग विद इट बट यू मेक मनी वाई ऑनरिंग द गिफ्ट ऑफ अल्लाह सुबह सेकेंडली लाइक यू वर निशीद वो लोग मजे ले लेके नात सुनते हैं और लुत्फ मोमिन को मुसलमान को लुत्फ ही आता है लेकिन ये तो आपको लुत्फ आ रहा है रसूल अल्लाह को कब लुत्फ आएगा आपसे दिस इज यू आर एनजॉइंग वेन विद प्रॉफिट एनजॉय एक गिफ्ट और अल्लाह पाक ने दिया हजूर असलम की शक्ल में इन दम ऑफ रसूल एक और तोहफा अल्लाह पाक ने दिया और हम क्या वा? उस तोहफे को किस लिए दिया फरमाया मा और मेर रसूल क्या बंदो मैंने ये तोहफा ऐसे ही नहीं दिया ये इसलिए दिया है कि इस इनके रंग में रंगे जाओ तुम इनकी इतात में आ जाओ मेरी बंदगी में और इनकी इतात में आ जाओ ये तोहफा ऐसे नहीं दिया माँ अरसलना मे रसूल ये आलमीन को भेजा कि तुम भी रहमत हासिल करने वाले बन जाओ सो दैट यू ऑल्सो बिकम खलर इन द कलर ऑफ रसूल अल्लाह वसल्लम लेकिन उस तोहफे के साथ हम क्या कर रहे हैं वट आर वी डूइंग टू रसूल सेंट सो दैट वी बिकम कलर्ड इन कलर लेकिन मुझ पर तो गाने वालों का कलर नजर आ रहे हैं मेरी जिंदगी में मेरी जिंदगी में तो अमीरों के कलर नजर आ रहे हैं के कलर नजर आ रहे हैं गैंगस्टर्स के कलर नजर आ रहे हैं अनमी लुक्स उम्मती वो है कौन है उम्मती उम्मती वो है जिसको हजूर अलैहिस्सलाम मान लेंगे उम्मती आप घर में बैठे कहते मैं उम्मती मैं उम्मती इससे उम्मती नहीं बनता वन सेंटली पर्सन वॉज आस्क्ड एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि उम्मती कौन है हु इज वी कैन से व्हेन आई कैन से आई एम रियल उम्मती आई know आई सेम उम्मती बट वैन विद द प्रॉफिट से हाउ नो दैट मुझे कैसे पता चलेगा कि हजूर आई इस्लाम ने मुझे कबूल फरमाया तो उस बुजुर्ग ने फरमाया कि तुम उम्मती तब बनोगे कि बंदे देखे तुम्हें याद उनको हजूर सरसलम किया है देखे उम्मती को तो याद नबी किया है तुम्हारे साथ कारोबार करें याद उनको हजूर आल्लाम का कारोबार आए तुम्हारे साथ मामला पड़े याद उनको आप के अखिलाफ में तुम्हारे साथ जो है बैठने का मौका मिले तो उनको हजूर अल इस्लाम का बैठना नजर आए फरमाया कि तब तुम उम्मत यो तुम्हें देखे याद शैतान आता है गाने वाले आते हैं बजाने वाले आते हैं तुम उन्हीं के पीछे चल रहे हो तो वैसे तो सारी उम्मत ही काफर भी हजूर असलाम की उम्मत में है लेकिन एक उम्मत इजाबत है एक उम्मत दावत One is are two categories of Ummah. One is who the Prophet ﷺ has given da'wah that come into my Ummah, come into Islam. That's for everyone. Everyone is that type of Ummati. But one is Ummati Ijaba, the ones who accepted to become his Ummati. And they are those people who, if you look at them, they remind you of Prophet Muhammad. ﷺ. इसी तरह उस बुजुर्ग ने फरमाया उन्हें कहा सुना नहीं तुमने, तुमने। हदीस शरीफ में जब हजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि अल्लाह के दोस्त कौन हैं तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा रऊहू अल्लाह जब देखो बंदे को याद रब आए ही सेड दैट हैव यू नॉट हर्ड दैट हदीस व्हेन समवन आस्क्ड या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउ कैन वी नो दैट अ पर्सन इज फ्रेंड ऑफ अल्लाह ही सल्सम said one of the sign is when you look at the servant and he reminds you of the Lord Almighty कि ये इसका कोई रब है ये बंदे का चलना बता रहा है इसकी आंखें जो झुकी हुई हैं बता रही हैं ये किसी कोई, कोई इसको देख रहा है ये जो आिस्ता आहिस्ता बोलता है नरमी के साथ बोलता है लगता है कि इसको कोई देख रहा है ये किसी का ग़ुलाम है किसी के अंदर चल रहा है तो या तो सो दिस इज अनदर गिफ्ट ये भी अल्लाह यू गिफ्ट ऑफ़ रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम एंड व्हाट आई एम डूइंग इन स्टेड ऑफ ऑनरिंग एंड लेटिंग कम टू मी आई एम एक्चुअली एम्ब्रेसिंग अदर थिंगस आर अपोजिट हजूर चौदह सौ साल पंद्रह सौ साल हो गए ही हैज वो आ गए तशरीफ ले आए लेकिन क्या मेरी ज़िंदगी में भी वो आए हैं या नहीं ये है बात मेरी ज़िंदगी में फिर भी शैतान फिर रहा है मेरी ज़िंदगी में गलत सोचे मेरी ज़िंदगी में जिना फिर रहा है मेरी ज़िंदगी में धोखा फिर रहा है मेरी ज़िंदगी में हसद फिर रहा है मेरी ज़िंदगी में गफलत फिर रही है तो वो तो आ गई हैं लेकिन मुझ में ना आए मैं कामयाब नहीं हो सकता कामयाब वही है जिसमें हजूर आलाम की मोहब्बत और आप्लाम के खिलाफ और अनवार जो है वो नजर आए कि ये उम्मती है हर कोई बंदा अलैहिस्सलाम उसके जुम्मे हैं उम्मती पर उनके इज्जत की उनके दीन की महाफजत करना ऑन एवरी पर्सन ऑफ हिज उम्मा इट्स नेसेसरी अपन परम टू प्रोटेक्ट द दीन

Because Rasulullah is not the prophet of the human beings only. He's Prophet of everything. He is Prophet of everything, stone that is. The spider recognized that my messenger has come, my prophet has come. Spider is very weak, his web is very weak. Spider kitna, Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, wa inna दीकेस्ट ऑफ द हाउसेज द डुवेलिंग प्लेस और द वीकेस्ट हाउस और लिविंग प्लेस इज ऑफ स्पाइडर फॉर मैं सबसे ज्यादा कमजोर घर जानवरों में परिंदों में इंसानों में उसका है स्पाइडर का घर है इच्छ वीक इस वीक अल्लाह weak, लेकिन उस मकड़ी जो का जो जाला बहुत कमजोर होता है हवा आती है तो उड़ जाता है लेकिन उसने यह नहीं सोचा मैं वीक हूं सोचा मेरे नबी को हिफाजत की जरूरत है मेरे पास जो कुछ है मैं वो लगा दूंगा माई प्रॉफिट नीड्स प्रोटेक्शन

उसने भी अपना घर उधर बना के अंडे दे के अपना कहा कि मैं मेरे पास कुछ यही कुछ इसलह है दिस इस इज़ माई वेपनरी आई विल प्रोटेक्ट रसूल अल्लाह वसम अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी तो उसने भी अपना दिया तो तुफ है उस इंसान पर जिसको अल्लाह ने अशरफ मखलूक बनाया दिमाग दिल अपना हाथ पाँव अल्लाह गिवन यू सच अ पावरफुल बॉडी एंड इंटेलेक्ट कि कबूतरियां और मकड़ियां तो हजूर आल के नामूस और आपकी हिफाजत में अपना सब कुछ लगा दें और ये इंसान कुछ ना लगाए ये उल्टा उनके जो है बदनामी का सबब बन रहा इफ दैट इज द केस दैन इट इज मच बस्ट दिस इज लव ये है मोहब्बत जो हम कहते हैं ना मोहब्बत 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 हम, हम तो पैसा देना दीन के लिए वो मुश्किल नमाज कायम करना वो मुश्किल गुनाह से बचना वो मुश्किल तो वो चिंटी से वो मकड़ी से वो कबूतरी से पूछें कि जो कुछ है को कहते हैं मोहब्बत बाकी वो हिफाजत फिर अल्लाह पाक कर रहा है अपने नबी की उसको जरूरत नहीं है हमारी ही नीड अस वी कैन जस्ट बी ब्लेस्ड दैट वी फाट इन जिस हजरत इब्राहिम आल के लिए भी एक चिड़िया जो है वो ने पानी फेंक रही थी बुझाई तो अल्लाह का सलामती तो आग को ठंडा अल्लाह ने किया है लेकिन उसका हिस्सा पड़ गया हिफाजत तो अल्लाह ने किया अल्लाह से बदला प्रोटेक्ट रसूल अल्लाह बट दी स्पाइडर एंड एक्चुअली पिजन एक्चुअली डिड दिट देर फारो दिससन एज एनक्रेजमेंट फॉर अस हमें ह्यूमन बींग्स के लिए कि तुम हिफाजत करो हजूर आसलाम के तरीकों की सुनत की हर एक एवरी थिंग ऑफ रसूल दिस इज अमरीज मेमरी ऑफ द प्रॉफिट आप अपनी बीवी का तो रुमाल संभाल के रखते हैं आपने वाल का जी, ये मेरे वाल साहब की कमीस है उसको तो संभाल के रखते हैं बीवी अपने हामद की अंगूठी संभाल के, के रखती है दिस इज समी गेव मी तो हजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत को कौन संभालेगा वरना फिर मुनाफकत ही है सुन्नत उनकी बंदा जाया कर सुन्नत ही उनकी निशानी है वो तो अल्लाह जल्ला जलालहु का मैसेज दे के पर्दा फरमा गए तो अब हमारे लिए सब के लिए वो क्या छोड़ गए अपना दीन छोड़ गए खास तौर पर हजूर आल्लाम की जो सुन्नतें हैं वो छोड़ गए आप।, आप अपनी मोहब्बत को छोड़ गए ही लेफ्ट ही लव His character, his way of life to us, this is the memory of Rasulullah. This is the memory. This reminds you of the Prophet, and then it actually enhances the love. But we are not, maybe most people are, Alhamdulillah. It's not that real. you are good people. I'm talking about people like myself and few people who are not really honoring and not really following as they should be they are pleasing everyone. they are people pleaser, people pleaser, wife pleaser, but not the prophet pleaser. who will become a prophet pleaser? who will please Rasulullah? day and night, they will think about that if they love. otherwise, this is just empty slogan, i do this and i do that. anyway, that's not the topic, but i thought ramadan is also वन ऑफ दिज गिफ्ट रमजान इज लाइक अ फ्लावर अ वे विच हैमान भी एक गुलदस्ते की था जिसमें तीस फूल अल्लाह ने रख दिए उसमें एक एक फूल जो है वो आपको ईमानी हयात ईमानी जिंदगी जो है वो दे सकता है वो आपको तकवा दे सकता है एवरी फ्लावर can actually give you life to your Iman, life to your Taqwa. But as Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned once he stood on the member and he said Ameen and Sahaba Ikram Rizwanullah could not hear but he Sallallahu Alaihi Wasallam said that it was Sayyidina Jibril Alayhi who said, "Ya Allah, may that person be deprived and destroyed"? Who finds himself in the month of Ramadan and does not get forgiven? So, in actual fact, the same thing is being said: that if you, this is a gift from Allah Subhanahu wa Taala, and if like, if you give a gift to someone, like I've given you example, a cake or whatever. And they just actually waste it, they trample on with their feet on it, you will feel actually dejected. Similar is the case if Ramadan is coming and you just pass it by, like, actually just passing time and just actually, you may say, involved and thinking about all and different things, but lose the purpose. It's as though you have not appreciated the gift of Ramadan. So, yes, life is a gift. Honor it by spending in obedience. Rasulullah is gift. Honor it by loving and following him. And don't become people pleaser, become a prophet pleaser, inshaAllah. Then you will have everything. Because when someone pleases Rasulullah, Allah become pleased and people become pleased. Even animals love this person as well. Animals love. Hadrat Safina anhu was in a jungle. A lion was sitting there, or disturbing, was very uh, looking to harm. And he only mentioned that "I have served Prophet Muhammad for some time. He, in service, he was doing some khidmah of Rasulullah for some time. As soon as the lion heard, it actually kissed the feet of Hazar Zafina. कबूतरी अदब कर रही है वो मकड़ी जाला बना रही है और शेर झुक रहा है दरख्त रो रहे हैं रो रहे हैं एक मैं हूँ कि जो आपकी सुन्नत आपके दीन की हिफाजत में कायम नहीं हूँ बस टाइम पास कर रहे हैं और दीन की बुनियादें दीन के जो है वह जैसे शेह अब्दुल्क्र रहमतुल्लाह रमत ने फरमाया दीन की दीवारें गिर रही हैं और हम जो है खुद भी गुम हुए हैं और दूसरों को भी जो है वो अपना उल्टा इंक्रेज <coughs> नहीं कर रहे पर एनी वे बिसाइड दिस बस रमदान के बारे में सो दमदान कैन बी स्पेंट इन अ बेटर वे एंड वी कैन ऑनर दिस गिफ्ट ऑफ अल्लाह सुबहाना आई विल जस्ट गो थ्रू फ्राम फोर डेज आई एम डिलीवरिंग ऑलमोस्ट सेम मैसेज so that we can protect uh, the ramadan. we can protect, protect, protect ourselves to be deprived from being deprived of the mercy of allah subhanahu wa ta'ala. so if you look at the screen, the screen is batani 15 number one. why, why? why? fast? What is the need of Ramadan? Number two, what is the aim of Ramadan and fasting? What is the aim of it? And number three, how to achieve, what is the process, how what are the practical tips which you can then apply and achieve that aim? So that your Ramadan is like no other Ramadan before in your life. फर्स्टली फाउंडर ओवर दिस सेइंग इन इंग्लिश यू कैन रीड इट एनीवे इन उर्दू आई विल से रमदान एक रहमत का समुंदर है रमदान एक रहमत का समुंदर है जो अल्लाह पाक देता है बंदे को रोजा उस समुंदर में डूब जाना है और इबादत का माना है कि उसमें तैरना हाथ पांव मारना लेकिन ये मकसद मकसद वो मोती है जो समुंदर की तह में सीपी में बंद है वो मोती का नाम तकवा है सो रमजान इज द ओशियन फास्ट इज टू डाइव रोजा रखना सिर्फ यह है कि आप रमजान में आके रख लिया रमजान में दाखिल हो गए इससे वो चीज मकसद नहीं है डाइव करना मकसद नहीं द पर्पज वॉरशिप

All others are means to dive, to swim, etc., etc. If you don't have that pearl, that swimming is aimless. That diving is aimless. Being in the ocean is aimless. It's a fruitless effort. तो एक तो ये चीज समझ लें कि अपना कि जब उसको वो मोती ना मिला वो रमजान में हो के भी महरूम है तो अब जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू लुक at दिस डायग्राम दिस shows यू why वी नीड टू फास्ट आखिर रोजा रखें क्यों क्या जरूरत है खाना कम हो गया है यहाँ के अल्लाह जल्ल जलालू को कोई फायदा है does Allah अल्लाह अज वजल बेनिफिट फ्रॉम फास्ट वेन यू फास्ट डज अल्लाह ग्रेटनेस इंक्रीज इफ यू डू नॉट Does Allah subhanahu wa ta'ala's greatness decrease? It doesn't increase or decrease. He is ghani. So you are the beneficiary. Dekhe, diagram ko dekhe. Try to look at the diagram. Look here why you need to fast. Firstly, me and you was not there. Even we did not have life. No life we had.

Oh yes, definitely we are your servants. Allah says, Oh good and well, but now you will be tested. So after that, if you look on this this circle here, now we are here on the face of the earth. That's where the test is. And whoever has something here called taqwa, after life is a life of paradise for him, a blessing, a blessing. He has taqwa, the paradise becomes Jannah for him. फायर ऑफ हेल विल सेविकली यू आर कूलिंग माई फायर बिकॉज ऑफ यूर ईमान तकवा का नूर हुआ तो जहन्नम भी कहेगी जै ईमान वाले जल्दी गुजर जा तेरे नूरे ईमान ने तो मुझे ठंडा कर दिया है तकवा हुआ तो वो पुलिसरात से उधर देखे तस्वीर को देखे पुलिसरात से पार करके वो जन्नतों में तकवा ले देगा और अगर इफ यू आर नॉट एबल टू अचीव तकवा ...and Allah subhanahu wa ta'ala did not have mercy upon you... ...then the, even the grave will, the barzakh will become fire for you. The, on the day of judgment... ...it will be like you are in hell. If you have taqwa... la khawfun wa la antum ...then you are under the shade of the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala... ...on the day of judgment. And if you don't have taqwa...

अब आप समझिए कि क्यों रोज़े रखने हैं क्यों रमज़ान में फास्टिंग की क्या ज़रूरत है अल्लाह को तो फ़ायदा नहीं है अब हम भूखे रह रहे हैं जलाजलाू को वो मकसद ये है कि इस ज़िंदगी में आपको तकवा मिल जाए ताकि बाद वाली सारी ज़िंदगी आपकी दुरुस्त और जन्नती ज़िंदगी बन जाए और अगर तकवा ना हासिल हुआ तो जहन्नम ही जहन्नम अजाब ही अजाब है और यहाँ तकवा कैसे मिलेगा

Now the purpose of fasting. अब इसका मकसद क्या है यानी हासिल क्या करना है आपने वो मोती दैट फल विच इज तकवा. तकवाट इज तकवा तकवा क्या है नमाज पढ़ने का नाम तकवा है सिर्फ नहीं ये नम, लामत है तकवे की

तो तकवा जिसमें आ जाता है वो भी अपने जिसम को ड्राइव करके जन्नत में ले जाता है तो वो एक खूबी का नाम है स्किल का नाम इट्स लाइक कुकिंग इट्स अ स्किल अ फ्लाइज अ प्लेन इट्स अ स्किल अ राइटर इट्स अ स्किल राइटिंग कम्स द स्किल ऑफ राइटिंग सिमिलरली तकवा इज समथिंग अज इट खम्स इन यू इट Makes you aware of the presence of Allah. Allah is with me, Subhanahu wa Taala, and He is seeing me. He is actually all-knowing. He knows everything. He's all-hearing. He's hearing everything. So taqwa is when it comes. This is the effect of. It. Anyhow, it has four signs. Taqwa ki char ilamate hoti hain. वो बंदा सोच सकता है कि वो तकवा उसको हासिल हुआ या नहीं यू कैन चेक विद फोर साइंस नंबर वन सबसे पहली इलामत तकवे की है कि द पर्सन हु विल हैव तकवा दिस यू कैन जज योर सेल्फ एज यू गो थ्रू द फास्टिंग इन रमदान और आफ्टर फास्टिंग ऑन द डे ऑफ ईद इफ यू आर गिवन अ चॉइस यू कैन

लोग भी कुछ कहते हैं घर वाले कुछ कह रहे हैं शैतान कुछ कह रहा है, नफ्स कुछ कह रहा है तो ये अल्लाह पाक को चुनता है अल्लाह पाक के हुक्म को चुनता है उसी पे ये तकवे की इलामत दूसरी निशानी तकवा की है द सेकेंड साइन इज़ दैट दैट पर्सन चूजेज रसूल ऑल अदर चोइस How he chooses that? By choosing his way of life, by choosing uh, his sunnah. So, if he has to choose, okay, you can eat like this, you can drink like this, you can live like this, this is the norm of the day, this is fashion, this is that, this is that, that person will choose Rasulullah, no matter actually what happens, he will be, because he loves him. Number three. दैट पर्सन इज़ कम्फैशनट मर्सीफुल एंड खाइंड टोर्ड्स द क्रिएशन ऑफ अल्लाह एंड दमा ऑफ रसूल अल्लाम तीसरी निशानी तकवा की ये है कि उस बंदे में जो है वो नरमी आ जाएगी अगर नरमी नहीं आ रही रोजा रख रह के चिड़चिड़ापन आ रहा है तो उसको तकवा नहीं हासिल हो रहा चिड़चिड़ापन हासिल हो रहा है बाद अखलाक हासिल है वो सही नहीं रोज़ा रख रह रहा रोजे का तो मकसद ही ये ने फरमाया वैसे तो मामला चलते हैं फरमाया इन वाइस योर फास्टिंग कोई तुम्हारे साथ झगड़ा करे कोई तुम्हें गाली दे तुम सिर्फ उसको ये कह दो कि मैं मैंने रोजा रखा हुआ है मैं ट्रेनिंग में अंडर ट्रेनिंग हूं मैं नहीं कुछ कह सकता तुम और अगर वो कह जी, लड़ाई होगी दो बंदू की जी क्या है जी रोजा रखा हुआ था इसलिए क्या फायदा रोजे का उतना रोजे का जो है वो स्वाब ने जितना जो है वो जाया कर दिया अपना एक दूसरे लड़के गालियां दे के तो वो तो मकसद ये है दर्पज ऑफ एक्चुअली इट इज दैट यू सेल्फ कंट्रोल एंड इफ नफ्स यू आर टेकिंग आउट ऑन अदर्स उसका तो मकसद ही खत्म हो जाता है हे इससे बात ना करना इसने आज रोजा रखा हुआ है ये बड़ा मूड उसका खराब हो गया तो कैसे उसका मकसद हासिल हो रहा है

पा ने लकब दिया हजूर को बड़े प्यार से आपको खताब किया या अखल मुसलीन या अखल मुंजरी देखें अल्लाह किस तरह हजूर आलिम को खताब फरमा का वोन नेशन वोन योर उमा अपनी कौम को खबरदार कर दें अपनी कौम को वार्निंग दे दे ये ना कहें कि आमद के दिन हम बोले पता ही नहीं था हम तो रोजे रखते रहे नमाजें पढ़ते रहे आज कुछ भी नहीं है हमारे पल्ले वो ये ना कहें <coughs> अंजिर कऊ का अपनी उम्मत को ये मैसेज पहुंचा दें अल्लाह पाक फरमा है मेरी तरफ से फ्रॉम द लॉर्ड ऑन माई टी डिलीवर दिस मैसेज टू द उम्मा एंड वॉन दैम दैट इफ दे हैव फाइव थिंग्स इन देम अल्लाह खलू बिन बयूथी दे शुड नॉट इवन एंटर एनी ऑफ माई हाउसेस एनी ऑफ मस्क दे शुड नॉट एंटर

इनमें से जिनमें पांच चीजें हैं यार अब्बल इफ दे डू वट्स गोइंग टू हैपन वो तो आ रहे हैं अल्लाह का घर है वो कहेगा मैं तो सदर हूं मुझे कौन रोक सकता है कोई कहेगा मैं राजा हूं मुझे कौन रोक सकता है actually, यार, say, मैं तो आऊंगा ये अल्लाह का घर है अल्लाह पान फरमा इफ दे दे डू कम अगर वो आ जाए

इन पर लानते आ रही हैं जी मामला है फिर माम मैं अगर वो आएंगे लान इसी तरह कई लोग कहते हैं नमाजें पढ़ रहे हैं घरों से परेशानियां नहीं अंदर भी चुभ है दिल भी तंग है ये हो रहा है वो हो रहा है हम तो नमाज भी पढ़ रहे हैं जिक्र भी करते हैं वी डू वो खाए उम्रे भी कर रहे हैं वो स्टिल फीस देर इज नो क्लोजनेस ऑफ अल्लाह वो समाइम दिस इज द रीजन कई दफा फिर वो वजह होती है वो पांच वजह अल्लाह ने हजूरअलम को बताई हमें फिर हजूर ने हमें बताई या अल्लाह को कौन सी वजूहत हैं जिससे तू नमाज पढ़े बंदा तो उस पर लानत पढ़ती बजाय इसके कराहमत आए फरमाया फर्स्ट वन वन ऑफ दाली मिन इबादी इन दहादिमा एक वजह यह है इफ एनी वन unlawfully possesses the property, the money, the द a piece of land of anyone unlawfully with zulm and with oppression कि किसी ने किसी की जमीन पर किसी का पैसा दबा के रखा हुआ है किसी का सोना दबा के रखा हुआ है किसी को हिस्सा ही नहीं दे रहा हमारे लोगों ने तो खिचड़ी पकाई होती है ना वो विरासत सही तकसीम करते हैं वो कह हम तो अपने तरीके से करेंगे बंदर बांट की तरह शरीय में जो है वो देखा जाएगा तो ठीक है वो कई कही कहीं चली गई बहन की कहीं चली गई बेटी की कहीं चली गई जो भाई तगड़ा है फैमिली में वो सर पर कब्जा कर गया और कभी रिश्तेदारों के साथ कर गया कभी कुछ हो रहा है कभी यहाँ मकानों पर कब्जा हो जाता है बीवी कहती है हमें आधा हिस्सा दो कुछ कोई कह रहा है कोई कह रहा है, तो एक खिचड़ी सी पकी हुई है बहरहाल जो भी है व्हाट एवर इट अल्लाह से वाली अहािन इबादी इन दादि जुलमन किसी की कोई माल को प्रॉपर्टी कोई सोना चांदी अगर किसी के कब्जे में है ऐसा बंदा शौक से आए मस्जिद में वो लानते लेके वापस जाएगा उसकी कोई ना नमाज ना रोजा कबूल होता है ठीक है वो आपने ते पढ़ रहे नमाज पढ़ता रहे जब जिसकी इबादत की जा रही है वो फरमा रहा है मैं लानते भेज रहा हूं जिस जो नमाज ले कर आएगी हस्ती हजूर इस्लाम की वो फिर मारी इसको कोई फ़ायदा जो मेरी उम्मत पर उम्मत इसको रो रही है औरतें घर में रो रही हैं मर्द ये फलाना रो रहा है कमजोर रो रहे हैं पीपल आर खुलाइंग एंड वीपिंग एंड अपसेट बिकॉज ही इज प्रोजेसिंग ही इज डिफ्रॉडेड ही इज नॉट रिटर्निंग मनी ऑफ सम कितने लोग हैं कर्ज लेके बैठे वापस नहीं कर रहे वो बेचारा दे के रो रहा है कर्ज दे देने वाला दे आर नाट रिटर्निंग तो so हमने समझा ये जोक है इट इज अ जोक ओके दैट्स माय डीलिंग विद पीपल दिस इज माय वर्शिप अल्लाह इन अल्लाह सुबहानदर बुक्स दिस इज नॉट द केस अल्लाह सुबहाना दस बुक्स इज लाइक दिस रसूलुल्लाह वसल्लम सेड मन आजा मुस्लिमन फ़कद आजानी जिसने किसी मुसलमान को दुख तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी हजूँ फरमाया जिसने मुझे दी वो मन आज़ानी फ़कद अज़ल जिस मुझे दी उसने अल्लाह के गजब को आवाज़ दी है और वो मुस्तक बन गया हाँ ए जी मेरा बिजनेस है ए मेरी नमाज है दिस इज़ माई बिजनेस दिस इज़ माई वॉरशिप इन इस्लाम दिज नथिंग लाइक दिस इफ यू आर स्कॉन्डरिंग डिफ्रोडिंग पीपल एंड डिफ्राइविंग ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ एंड मनी एंड ज्वेलरी एंड यू थिंक यू आर वॉर्शिप उमरा हज लिसन टू दिस दिस हदीस यू कैन गेट रेफरेंस ऑफ आफ्टर फ्रॉम मी आपको सम आंखें खुल जाएंगी आपने मजाक समझा हुआ है हजूर ने तो फरमाए कि एक उम्मती का दर्जा काबे से भी ज्यादा है और आप समझ रहे हैं कुछ भी नहीं जिसको चाहा थप्पड़ मार दिया जिसको चाहा गाली दे दी है द स्टेटस ऑफ अ मुस्लिम इज मोर देन दाबा इन द साइट ऑफ अल्लाह डोंट यू सी एवरी ईयर मुस्लिम आर स्टैंडिंग विद यर फीट ऑन द काबा हर साल जब वो गुलाब बदलते हैं अजब बिलाल को भी आप चढ़ाया अब ये आए दिन आप देखते रहते हैं मुसलमान जो है वो ऊपर जो है वो चढ़े होते हैं गुलाब बदलने के लिए खादे में सफाई करने वाले ऊपर काबे के ऊपर पांव रख के ऊपर फिर रहे होते हैं क्यों कि मुसलमान के कदमों के नीचे है काबा मुसलमान की इतनी इज्जत है हरमत है हजूर आसलाम तो ने फरमाया भी कि मुसलमान की हरमत अल्लाह पा के नज़दीक इज़्ज़त ये काबे से जो है ये ज़्यादा है सो इट इज़ अ वेरी वेरी सीरियस मैटर सो सो सोल्ला सुबहान तू मामा का इम बा इम बीना यदयसली अगर ये नमाज भी पढ़ेगा तो इस पर लानत पड़ती रहेगी अगर इसमें ये चीज़ है सो इट बैठर दैर वी सैटल आवर मैटर and return especially before ramadan and before worshipping you know. second thing <laughs> rasulullah said <speaking> the <language> <Allah> if they have a heart in which they are nourishing and a kind of hatred or grudge or jealousy अगर मखलूक के साथ बोगज और हसद और कीना रखे हुए है वो बंदा फरमाया उस दिल में तो वो अल्लाह नमाज तो दूर की बात वो मेरे घर में भी ना आए वो तो मेरे घर में भी ना गा तुमने मजाक समझा हुआ है भाई जो मर्जी आ जाए फरमाया कि ठीक है अपनी मर्जी है उसकी ज़बरदस्ती आ जाए लेकिन फिर रहमतें नहीं लानते लेके वापस जाएगा जू जूँ वो आ रहा है तो उसके न चेहरे पर लानते अंदर बातिन में अल्लाह का कुर्ब नहीं महसूस होगा કે હો ગયા જી નમાઝ پڑھ દે પતા નહીં ચલતા سکون નહીં હે નમાઝ મે દિલ નહીં લગતા દમાગ પે લાન્ત પડ રહી દિલ કસે લાગે تمہارا નમાઝ મે ઓર જો બંદુ કો જો હે બંદુ કે સાથ mohabbat ઓર صبر ઓર શુક્રર ઓર અપને અંદર જો હે વો રખતા હે પોતા સીના સાફ રખતા હે બલકે હઝુર અલાયસલામ ને તો ફરમાયા એક હદીસ મે કે जो ये जो बरकत वाली रातें आती हैं शब बरात और शब कदर फरमाया उस दिन रात भी सारी रात सजदे में पड़ा रहे सात बंदों की मफ़रत नहीं होती उनमें से एक यही है जो बोगज़ रखने वाला है बंदा कता तल्लकी करने वाला ऐसे सेवन रसूल से सब है तो हमने तो दीन को समझा ही हुआ है कि बस ठीक है जी अपना उल्लू सीधा करो और नमाज वगैरह जो भी है अपना करना बाकी मखलूक है ये जाने जो मर्जी उनको गालियाँ दे रहे हैं उनके पैसे खा रहे हैं उनके साथ घर और में और चल रहा है मामला तो इस तरह की बात अल्लाह पा के है थर्ड थिंग विच अल्लाह सुबहदा सदिन हदी से खुदसी वसुन सादिका देट दैट पर्सन शुड नॉट एंटर माई हाउस वर्शिप मी आई एम नॉट हैप्पी ऑन हिज हिम वर्शिपिंग मी डज नॉट हैव टंग फ्राम हार्मिंग फ्राम बैक बाइटिंग अदर्स एंड एक्चुअली फ्राम सिलान्डर एंड एंड लाइंग एसेट्रा फरमाया कि जिसकी जुबान झूठ और इल्जाम तराशी से बची नहीं है वो बंदा भी ना आए उसको फायदा नहीं होने वाला एंड रसूल सेट वेरी क्लियरली बुखारी सेम थिंग इज मैं मलम यदाउलूर

जुलम ज़ुबान से गिबत चुगली दूसरों को दुख देना नहीं छोड़ रहा तो फरमाया कल्ला को ज़रूरत नहीं कि वो खाना पीना छोड़ दे फिर रोज़ा वो खाना पीना क्या छोड़ा हुआ है उसने खाना पीना तो छुड़ाया था कि भाई इसमें और नेकी आ जाती है और ये इसकी ज़ुबान तड़ातड़ चल रही है फोर्थ थिंग व आई दिन नक़ैया

Furujin tahira And that person who is playing with the honor of others, he's thinking it's joke, to honor of others, meaning actually committing zina, messaging other's sisters, daughters, other's wives, sending messaging to them, sending emails to them, phoning them, looking at them, dishonoring them, slandering them. If it's this type of behavior, and he's adopting the path of zina, and this, Allah subhanahu wa ta'ala says that that person, La min bayuti, he should dare not enter my house. Because he's a whole against the the purpose of all the worship. The worship was there to train you to become obedient and things. And if you are doing that thing and then what are you worshipping for? So the Prophet وسلم, said, Rubba Sa'im مِنْ min إِلَّا الْجُورِ there are many who will fast. But they won't get from fast anything except hunger. Rubba ka'imin min qiyamihi illa sahar. There are many who pray, who read taravi, who worship, but except just being awake at night, they don't get anything except sleeplessness. Who are these people? These people who have these five elements in them. So, firstly I say to myself, you are

लेकिन जो है कई दफ़ा गलती हो ही जाती है बंदे से अगर कहे तो इस मामले को साफ कर ले पांच चीजें एटलीस्ट फाइव थिंग्स बीच सो आई अगेन रीड हदीस अल्लाह तैया अखल मुसलीन या अखल मुनजर अनदर कौम का अलाद खलू बैतमिन बयूती इला बलुबिन सलीमा वसून सादिका वन अक़िया व फ़ुरूजन ताहिरा व्याबादी इन दिन हम झुलमा फिनु मादाम बेनादी बट दैन अल्लाह सुबह मेनशन द गुड न्यूज़ फिर आखिर में बहुत अच्छी खुशखबरी भी सुनाई फरमाया Hatta, Yar, ila li fain. For May, if he returns what he, other, he owns unlawfully of others, he returns what actually is owned by others, he returns back. He repents from the sins of the tongue. He repents from the sins of actually the private parts. I become his ears with which he hears now. I become so. He becomes so close to me. I love him so much then. Wa kunu basara I become his eyes with which he sees now because these I didn't hate. I hate his sin, not him. Now he is repented, good and well. He is my servant wa min awliyai wa he will become my awliya he'll become my walis my friends i will enter him in the circle of my friends wa asfi'ai and my chosen people wa yakunu jari wa siddiqin wa shuhada wa salihin and and the jannah he will be in my neighborhood sitting with the prophets and the siddiqin and the martyrs and the awliya allah what does neighborhood of Allah mean Allah is not body or the Mashai have said neighborhood means where people will see Allah subhanahu wa ta'ala, that Jannah, that part of Jannah where they will get the glimpse of the glory and beauty of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala saying, okay, on one side I was cursing you if you had this, if you become free from this, then you are my actually best servants. So this shows. दर द प्योरीफिकेशन इस तरह लोग कहते हैं ये सूफिया का क्या तरीका ये तो वैसे ही टाइम ज़ाया करते हैं दिक्कत अजकार जी तजकिया करो ओलियाल जी सीधे सीधी नमाज पढ़ो पढ़ो सीधे सीधी नमाज लान त लेके जाओ जब तक ओली अल्लाह के तरीके से सूफिया उलमा के तरीके से नहीं सीखेगा उसको रहमतों बरकतों उसकी नमाज महफूज नहीं रहेगी फिर ये होगा तो ओलिया जो सूफिया हैं वो इसलिए इस पे ज़ोर देते हैं अपना तजकिया भी अपने आप को साफ़ रखो जबान को पाक रखो कानों को पाक रखो पेट को हराम से दूसरों को जुल्म से ताकि बंदे की बातें कबूल हो जाए वरना ये कबूल ही नहीं होती हाजा महीनुद्दीन चिश्ती रहमत लाई हज़रतली हजवेरी शहबुल् उनको हमें ज़्यादा इल्म हो गया जी सीधी सीधी नमाज़ पढ़ो थे हज करो थे तुम्हें तो जनता बिचो उनको नहीं पता था ये वो वैसे ही टाइम दया करते बिल्ला लोगों को बता बता के और मतलब इतनी मेहनत कर करके और लोगों को भी लगाया हुआ था कि भाई अपना अपना अख्लाक अच्छे करो क्योंकि उनको इल्म था कि ये इन हदीसों का कि ये सारी इबादत इनको नहीं बचा सकती ये ज़ाया हो जाएगी इनकी तो इसलिए जो है वो वो तो अल्लाह के वली बन गए और दूसरा देखे वो महरूम रह गया बंदा उनका वली होना ही ये लामत है कि वो उनके तरीके कितने अच्छे थे खैर ये तो वैसे आ गया अंडर दी थर्ड साइन ऑफ कंपैशन अपन क्रिएशन फोर्थ साइन ऑफ इज तकवाजूर तआला बिफोर यू स्पीक

बात करने से पहले ये जेन में ले आओ कि अल्लाह मेरी सुन रहा है और खामोश बैठे हो तो ये जान लो कि अल्लाह मेरे साथ है इसको कहते हैं हजूरी में कहते हैं फिलहाल बंदा जी हजूरी में है वो हजूरी में रहता है अल्लाह की हजूरी में तो यही मतलब है उसका इब्तदा यहीं से होती है उसकी एनी anyway, वे अब जो है आपको रोज़े के बारे में देखें अलिया अल्लाह ने फरमाया है कि रोज़े के मुख्तलिफ दर्जे हैं मुख्तलिफ किस्म के रोज़े हैं रूहानी तौर पर जिस देर डिफरेंट लेवल्स ऑफ फास्टिंग द मोर हायर लेवल ऑफ़ फास्ट, द मोर हायर लेवल ऑफ़ यू विल हैव। सो लेट्स से लुक आर दिस डायग्राम, एज यू कैन सी फास्टिंग ऑफ द टंग, जुबान का रोज़ा वो क्या है हाँ वो खाना नहीं रखना उस पर वो तो है ही है मतलब गबत भी ना आए गोश्त भी ना आए उस पर गोश्त जो है वो भी ना आए फास्टिंग ऑफ द टंग ये पहली उम्मतों में होता था वो खामोशी का रोजा रख लेते थे जैसे सईदा मरियम ने रखा उनको ट्रेनिंग मिली हमें तो वो नहीं है खामोशी का लेकिन गुनाहों से कम अज कम जरूर खमोशी इख्तियार कर ले ये रोजा हमें भी है फास्टिंग ऑफ द टंग फास्टिंग ऑफ द ईयर्स फ़ास्टिंग ऑफ द आईज़ फ़ास्टिंग ऑफ द हैंड्स, फास्टिंग ऑफ़ द प्राइवेट पास फास्टिंग ऑफ़ द स्टमिक फ़ास्टिंग ऑफ़ द फ़ीट नबी ने फरमाया इन चीज़ों का भी रोज़ा होता है लई सयाम उमिन तमाम व शर फरमाया किफ़ खाना पीना छोड़ने का नाम रोज़ा नहीं है इन नयामिन लवी व रफत The real fast, Rasulullah said, is to avoid the sinful and abominable speech and useless thing and all these actually sins. That is the real fast. That if you do for 30 days, inshallah, it will become easier for you to abstain from all these things. And this will build taqwa in you. So you have seen these, all things should fast, then is the fast is of a very high level. But anyway, you can start with something simple. Let's say, let's leave this. So, the first level of fast is what? Leaving eating and drinking, marital relations from dawn to sunset, and reading five prayers and Tarawi prayer. This is first level of fast. So, what will happen is if you have taqwa at a very low level before Ramadan, after Ramadan, you will have a higher level of Taqwa as you can see little bit higher but not very much so alhamdulillah whatever level you fast there is some benefit in there but then there is second level of fast Dusra look here the second level of fast includes fasting with the tongue eyes and feet because otherwise

So, if you do this for 30 days, your level of taqwa will come, come higher. So, what are the sins of the tongue? Uh, you know some of them. You can ask the ulama, Imam Saab, they will tell you. The, basically, anything which harms anyone else, which hurts the heart, the feelings, or harms the property, the honor, or actually the life of someone, that is normally a sin. First of the eyes, don't look at फास्ट ऑफ़ द आईज डोंट to give you as well. Don't look at at people with belittlement. लोगों को हकारत के साथ ना देखो कि ये कुछ भी नहीं है आपको नहीं पता बाज लोगों की कुत्ते को पानी पिलाने से बख्शिश हो गई है कौन उनको देख के समझेगा कि ये बख्शे हुए लोग हैं और बाज नमाजी परेजियों की पकड़ हो गई है तो ये नहीं पता तो इसलिए किसी को भी यानी निची नजरों से ना देखे ये अल्लाह पाक छोड़ दे बस जो है दुआ करे और शाहवत के साथ भी कोशिश करे ना देखे शन लुक एट अदर विद लस्ट एज वेल इसी तरह पाओ का रोज़ा ये है दैट नॉट टू गो टोज प्लेस प्लेसेस विच आर यू शुड नॉट बी गोइंग यू आर गोइंग फॉर ड्रग डीलिंग यू आर गोइंग टू मीट Someone who sh shouldn't be meeting you are going to any place which is unlawful activity so that will be breaking the fast of the feet So now if you have then alhamdulillah your taqwa will be more higher Now after level three level three kya It's easy to understand that you are fasting with all seven organs the four remaining ones as well से रोज़ा रखना आँखें जुबान और पाँव ना उससे भी ऊँचा रोज़ा है कि दूसरे भी चार अज़ा से रोजा रख लें आँखों यानी कानों का भी रोज़ा हो हाथों का भी रोज़ा हो हाथ से भी कोई गलत काम नहीं पेट में कोई हराम नहीं आ रहा और बुरे कामों से बदकारी वगैरह से बंदा बचा हुआ है तो ये जो कानों के गुनाह हैं लोगों की बातें सुनना चोरी चोरी छुपे किसी की फ़ोन के बारे में, में मैसेज सुनना बुजुर्गों को लफ ने लिखा है कि मियाँ बीवी को भी एक दूसरे का फ़ोन चेक करने की इजाज़त नहीं है वो भी गुनाह है ये प्राइवेसी है यू आर नॉट एक्चुअली अलाउड टू इवन हस्बैंड एंड वाइफ टू चेक विदाउट परमिशन तो ये मतलब उससे फिर फितना पैदा होता है कितनी लड़ाइयाँ इसलिए होती हैं कि भाई वो फ़ोन चेक करते हैं किसी का ईमेल आ गया किसी का कुछ आ गया कोई हो ये हो गया तो कानून के बारे में भाई सुनें ही ना गलत बात सुनेंगे नहीं तो आपको फायदा होगा पी आप फिर पीछे भी नहीं जाएंगे उसके लिसनिंग नॉट लिसनिंग मीनिंग समटाइम देर ईयर इज शैतान बुरी बातें आपको सुना रहा है बंदे सुना हाँ यार इस दफा ना ईद में फलां जगह चलेंगे और मतलब है के भंगड़ा डालेंगे तो ऐसे की बात भी ना सुने मतलब इसी तरह वो फिर बंदा गुमराह होता है इसी तरह हाथों के गुना हैं जो आपको बताया है। किसी को गलत इशारा ना करें किसी को गलत फ़ोन ना करें किसी को किसी का जो है मारे पीटे ना किसी का जो है फ्रॉड ना करें गलत साइन रिंग ना करें किसी जगह एसेट्रा इसी तरह पेट का रोज़ा है कि हराम ना खाना ड्रग्स वगैरह और पेट भर के खाना कोशिश करें ना खाना थोड़ी सी जगह खाली रखना के मुताबिक इसी तरह जो है अपनी इज्जत की हिफाजत करना सो द फास्ट ऑफ लेवल थ्री इज दैट वन टू थ्री फोर फाइव पर्सन इज फास्टिंग विद सेवन ऑर्गन दिस इज लेवल थ्री लेवल फोर चौथे दर्जे का रोजा विच इज इवन हायर लेवल दैट दिस पर्सन इज नॉट ओनली स्टॉपिंग फ्रॉम ईवल एक्टिविटी But this person is engaging his seven organs in positive activity. One is then you use your tongue to say comforting words. You are using the tongue positively. Eyes, you don't only stop looking at evil things, then you start looking. आज गुड थिंग काबा शरीफ देख रहे हैं कुरान देख रहे हैं वालदेन के चेहरे की जियारत कर रहे हैं मुसलमान को भी देखना और उलमा, सुलहा को देखना ये चीज़ें जो जायज़ हैं इसी तरह हाथों से इंस्टेड ऑफ हार्मिंग सम वन यू आर कम्फर्टिंग सम वन यू आर हेल्पिंग सम वन चैरिटी वर्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी आप कर रहे हैं वगैरह एक्सेट्रा दिस इज़ ऑल सो इफ़ यू इंगेज द बॉडी इन पॉजिटिव यूजेज ऑफ दियोर सेवन दैन यू आर एट लेवल अलहमदिल्ला एंड लेवल फाइव पाँचवा जो दर्जा है वो ये है कि यूर माइंड इज़ ऑल्सो फास्टिंग दिमाग का भी रोज़ा होता है सिर्फ पेट का रोज़ा नहीं होता लाइक स्टमिक फास्टिंग ब्रेक्स व्हेन फूड गोज इन टू द स्टमिक सिमिलरली इफ बैड थॉट्स बैड प्लानिंग गोज इन टू द माइंड then actually your spiritual fast of the mind is broken. now so shaitan puts a waswasa in you or nafs puts a waswasa in you if you do not actually deal with it or forget about it then it's going to flare up it will become more and more dominant until you will act upon it Toh, वसवसे को उसी के उसी की गर्दन वहीं दबा दो जब वो छोटा सा यानी सांप है फर्स्टली इट्स लाइक अ फर्स्टली वसवसा इज लाइक अ एंट एक च्यूनटी की तरह है देन इट बिकम लाइक अ स्कॉर्पियन एंड थर्ड देन इट बिकम्स लाइक अ ड्रैगन इफ यू डोंट कंट्रोल इट वो फिर इतना बड़ा प्लानिंग जब बन जाती है वेन अ पर्सन मेक्स इन गुड इंटेंशन जब वो इरादा कर लेता है मैंने ये गुनाह करना ही करना है फिर उसको बचाना बड़ा मुश्किल है he actually says that I I will do it. There is a story in the books किताबों mein kahani किस्सा likha hua hai anyway the maghrib time is approaching we leave that. Uh, I want to give you finally यो मैं ये एक टिप how to fast अब आखरी बात जो करनी है अब दूसरी चीजों को छोड़ते हैं कि इस रमजान में in this Ramadan how can you Fast at a higher level, to give you some practical tool, there is some material as well we brought the UsCO update E, in that there is five levels of fast which I've mentioned, information sheet. you can take it with you. Secondly, uh, we want to show you how you can actually record and achieve these levels. Also we'll give you a sheet like this for 30 days. Let's say

that after the ramadan you will exactly know how many fast you kept at which level so this means that after ramadan you can make up by nafal fast to achieve that level of taqwa simple as that so you will know you've only kept like 10 fast 11 or 4 or 5 whatever so let's say you kept only five fast at level three, then the rest of them you can make it after. By nafal fast, you can achieve that taqwa. So there are some other things as well, but uh, inshallah, um, I will just finish here uh, because we have to prepare for Maghrib prayer. If there is any question, you can ask. I think we have about five minutes uh, yet, actually. 21? So, Alhamdulillah, we have five ten minutes. If you want to ask any question related to that topic, um, that is better. Actually, if you you ask, Inshallah, it will be more benefit. Yes. Yes. Is there any remedy for that uh, situation? But they have decided there is no chance to come together, so, and they have accepted the situation. And we never thought that we are going to change that situation. Many people are in warning, and many families are in warning. Right. Many, many. Inshallah. I will just repeat, uh, Masha'Allah. Uh, the question of our honourable scholar and, mashallah, uh, Doctor Salim saab Obviously, he knows the answer better than me. But I will still actually repeat the answer, inshallah, if there is. He has asked that. Uh, Abhi, this is for my and your benefit. He has asked really, the that if a person has strain on relationship or have cut the ties with the relative that they have blood relation, uncles, aunts, cousins, mothers in laws, father in laws, whatever. But now they are not visiting each other for some issue happened, they are actually displeased and they are not on talking terms, they are not contacting each other. He said that is there any solution for that or can they just stay like that? It's okay. फर्स्ट थिंग इज दैट यू शूड नो एज़ आई ब्रीफली आई विलीस बुखारी इमाम बुखारी इन किताब आफ अदब ही अबू हुर तू यूज़ टू हैव थर्सडे गैदरिंग नसीहा्रा थर्सडे हज़रत अबू हर रदी अल्लाह तुम जमेरत वाले दिन मजलिस नसीहत क्या करते थे आफ्टर द मजलिस रिश्तेदारों के साथ आना जाना हुक्का पानी बंद किया हुआ ही शुड गेट अप फ्रॉम माई मजलिस एंड गो होम वो उठ जाए मेरी मजलिस में और जो है घर चला जाए पीपल वर सर प्राइज्ड वी हैव कम फॉर जिक्र एंड हमें कोई बयान सुनाए कुछ जिक्र कोई सुनाए बख्शिश की बशारतें सुनाए आप हमें गेज रहे हैं ही सैट इट आई एम जस्ट कटिंग इट जस्ट टू मैं दर्पज हीड एट द ग्रेव ऑफ रसूल अल्लास बिकॉज इट वॉज इन ऑन हिज राइट साइड इन ही हर्ड फ्रॉम दिस पर्सन इन द ग्रेव आपने फरमाया कि कुछ ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा मैंने इस साहिब क़ब्र से सुना और आप रोना शुरू हो गया आपको याद आ गई हजूराम के ज़माने की कि जहां आपने वो बात फरमाई थी ही इट ट्रिगर्ड हिज मेमोरी ऑफ़ रसूल लिविंग ही इज़ ऑलरेडी लिविंग बट वैन ही वॉज लिविंग एक्चुअली आउटवर्डली इन दिस लाइफ विद डेम सो ही बिगैन टू वी बट आफ्टर दैट ही सैड आपने फरमाया कि मैंने ज़्यादा अरसा नहीं हुआ कि मैंने इस हस्ती से सुना है That every Thursday and Monday as well, Thursday especially, the amal of the people of whole of the previous days it, they are taken up to the heavens in the presence of Allah by angels. And any person who have cut ties with relatives, his old amal are rejected and kept in pending until they come back in and reconcile. So he said that on लोगों के अमाल ऊपर लेके जाते हैं फरिश्ते और उन सब लोगों के हाजियों नमाजियों के माल सब के जो है वो रद्द हो जाते हैं कि जब तक के वो अपने रिश्तेदारों के साथ जिन्होंने कता तल्ल की की हुई है उनके साथ ज्यादतियाँ करते हैं बोलते नहीं चलते नहीं आना जाना बंद किया हुआ है अनटिल दे डू रिकॉन्सर जब तक वो ना कर ले सो ही सेड आई से दिस मैं इसलिए कहता हूँ कि आप घर चले जाओ If this type of person is in any gathering, he said, if this type of person is present in any, even I am here, he said, a Sahabi Rasool, my dua Allah will not accept because of his presence. So that's why I ask these people to leave this majlis. At least uh, people have come for dua and everything, at least their duas are accepted. From I to this so first thing is that your fasting, etc., etc., is all pending. and this is a very serious matter. now, as the doctors have, have mentioned, that what to do, very easy in the sense because the sharia has not discharged you more than you can do. if the other person,

रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली दे ऑल ऑफ द सिन ऑफ दिस गोज ऑन दैट पर्सन आप तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें अच्छे तरीके से भाई माफ़ कर दो जो जो हो गया है वगैरह सलाम करें या फ़ोन पे ही रहा करके कोई माफ़ी अक्सर लोग कर ही देते लेकिन उसके बावजूद वो कहता है नहीं नहीं मैं तेरा मुँह ही मुँ नहीं देखना चाहता डोंट खम एवर अगेन एक्सेट्रा देन यू आर फ्री यू हैव एक्चुअली डिस्चार्ज और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वन बुजुर्ग एक बुजुर्ग से किसी ने कहा जी आप कहते हैं रिश्तेदारों के पास जाएं उनका मुँह ही नहीं सीधा मुँह ही बूथी बनाई होती है उन्होंने तो, तो वो कहने लगे कि आप उनके चेहरे को ना देखो चेहरा मुस्तफ़ा को देखो जिसके लिए तुम जा रहे हो तुम उनके चेहरे देखते क्यों हो तुम हजूर असलाम की बात याद करो और उनके चेहरे तुम उनके लिए जा रहे हो तुम अल्लाह के लिए जा रहे हो तुम रिश्तेदारों के लिए नहीं जा रहे हो सो कीप दैट ही सेट इन माइंड दर यूर गोइंग फॉर अल्लाह एंड हिज मैसेंजर

और हजूर ने चार बिशारतें दी हैं फरमाया, वन अमल एक अमल है चार फजीलते हैं वन यू गेट बरका इन योर रिस्क, लॉन्ग लाइफ बरका इन योर लाइफ योर डेथ विल बी अ गुड डेथ एंड योअर वर्ल्ड मैटर्स विल बिकम ईजियर सबा कर रसुल्ला वट इज दैट अमल कौन सा वजीफा है वो हम करें कि उम्र भी बढ़ जाए बरकत आ जाए जिंदगी में भी बरकत आ जाए रिजक में भी बरकत और काम भी मेरे आसानी से होना शुरू हो जाए मौत भी अच्छी हो जाए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैर रहम रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करना ये एक अमल एक इतनी फजीलत है इसकी कि चार फजीलते द फोर वर्च यूज़ ये गैट तो हम रिजक में बरकत चाहते हैं उम्र में घर में चाहते हैं लेकिन उनके साथ तो सेकेंडली यू शुड नो दैट अल्लाह चोज फॉर यू दीज रिलेटिव्स ये अल्लाह ने चुने हुए हैं फ़लाना आपका चाचा होगा फ़लाना आपका मामा होगा फ़लह आपका अबू होगा फ़ला आपकी फूफो होगी ये अल्लाह को इल्म है कि वो क्या क्या करेंगे और क्या कि वो अल्लाह ने चुने आपकी सिर्फ आजमाइश हो रही है बातें बताने में थे। तो हम कहानियाँ सुनाने में किस्से सुनाने में तो जी हजूर आई इस्लाम पर एक माई गंद फेंकती थी वो उसकी बीमार पुरसी आप पर तो गंद भी कोई नहीं फेंक रहा पता नहीं उस बेचारे ने कोई बात कर दी हो कोई ऐसी कोई कर दी हो तो आप जाए अपना तो इनशा कुरान ने यह नुस्खा बयान किया है वाला तस्तवी हसन व सयाह नेकी और बदी बुराई और भलाई एक बराबर नहीं बुराई बुराई के साथ दूर नहीं होगी आग आग के साथ दूर नहीं होगी

लेकिन आप आप्लाम का अख्लाक आपका तरीक़ा वो देख देख के वो कितने जो है वो दो, 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 अपना कितने दोस्त क्या जाने देने वाले बन गए तो इसलिए आप अपने मकदूर बार कोशिश कर ले बाकी उनके लिए भी दुआ करें एंड दिल्लीस्ट थिंग इज़ विच यू कैन डू इज़ नॉट टू कीप एनी ग्रज अगेंस्ट डैम अल्लाह के लिए अपने दिल को जो है उनके बोग से पाक कर ले उनके लिए दुआ करें छोटी मोटी होती है रिश्तेदारों में ही हो गई हजूर आल्म जब मक्का में फाते बन के तशरीफ ले गए फता मक्के आपके रिश्तेदार ही थे ज्यादा बरदरी थी आपकी कुरेष तो साहबा कराम जो थे उनको बड़ा गुस्सा आया हुआ था दे वर वेरी वेरी एंग्री दैट थर्टीन ईयर्स दे बी नचली टॉर्चरिंग दिस इट इजेंज टे इट इज डे ऑफ रिवेंज आज बदले का दिन आज जबा करने का दिन आ गया है रसूल अल्लाह से नो दिस इज डे ऑफ मर्सी टुडे फरमाया कि ये बदले का नहीं रिवेंज का नहीं आज रहमत का दिन है आज मैं सबको माफ़ कर दूंगा वो जो मतलब इतना इतना बड़ा जुल्म करने वाले तो हमारे लिए तो नमूना है ना उन्होंने रहना है ना आपने रहना है दो तीन मिनट रह गए लास्ट थिंग वी आई वुड से इफ एनी वन इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू विजिट रेलेटिव इमेजिन यू हैव कम फ्रॉम मॉस्क यू हैव गॉन टू योर हाउस and on the street you see an ambulance an ambulance. Ambulance. ambulance and the ambulance is and the door of, of your relative and then you see suddenly on crutches they are bringing on the bed actually a, a body of a person who was you were not on speaking terms who you did not get on well who you had grudges with actually but now that person has passed away your feelings <laughs> यू आर ग्रेज गो अवे बट दैट परसन हैज गवे आप कहेंगे अच्छा ही था सुलह कह लेता देखो मर गया है बेचारा मैंने भी मर जाना है तो क्यों आप उस दिन ही का इंतजार कर रहे हैं पहले ही जो है रमज़ान का महीना रहमत का है ये बहाना बना हुआ है एवरी वन हार्ट लाइक यू वॉन्ट यूर अमाल टू भी एक्सेप्टेड दे वॉन्ट देयर अमाल टू भी एक्सेप्टेड दे वॉन्ट देयर अमजान टू बी एक्सेप्टो इट्स एन एक्सक्यूज फॉर यू जस्ट फोन और गो और टेक सम वन

तो नबी फर अबू जर मैं तुम्हें बताऊँ ना नमा रोज़े से नमाज से सदका से भी अफजल अमल दो बंदू में सूलह कराना है सो इफ दो मे बी यू आर दर्ड वन आपको पता है वो उनकी नाराजगी रिश्तेदार है आप बीच में रोल प्ले करें उनको करीब करने का ये हजूरअसम फरमाया कि एक कलमे पर यानी गुलाम आजाद करने का स्वाब मिलता है

ओके इंशाल्लाह एवरीवन इंशाल्लाह ठीक है नमाज का वक्त हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन या रब्बिल आलमीन या वी आर योर सिनफुल सर्वेंट्स They are pious and righteous, elderly people with white beards. And you have said, Ya for the pious and righteous, accept our good deeds. Especially if the month of Ramadan is coming, give us life until that month, and enable us to be blessed and to utilize that month to achieve the taqwa and Your pleasure, Ya rahim grant us the goodness of this world and hereafter. Anyone who has broken ties or actually they are not on talking terms. Soften the hearts and unite the heart of relatives towards each other. Let them actually ask forgiveness and forgive each other, Ya Rahman Free our hearts from grudges, animosity, and everything which you detest, Ya Rahman Rahimin.